आज हम जानेंगे अक्षय खन्ना की सच्चाई। जी हाँ, दृश्यम 2 फिल्म में अपनी एक्टिंग से वाहवाही लुटने वाले अक्षय खन्ना ने एक बार फिर से साबित किया कि वो एक बेहतरीन एक्टर है। आज हम इस वीडियो में अक्षय खन्ना की फिल्मी करियर और लाइफ से जुड़ी ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ बताने वाले हैं जिसके बारे में आप शायद ना जानते हो। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 28 मार्च 1975 को जन्मे अक्षय खन्ना हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना जी के बेटे हैं। अक्षय की मां का नाम है गीतांजलि खन्ना, जो अपने जमाने के एक फेमस मॉडल हुआ करती थी। हालांकि अक्षय के माता पिता दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। अक्षय खन्ना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लॉरेंस स्कूल चेन्नई से की है। इसके बाद इन्होंने मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल की। पिता से इंस्पायर्ड होकर अक्षय ने भी एक्टिंग फील्ड को ही अपना करियर चुना और इसके लिए बाकायदा उन्होंने नमित कपूर एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग की बारीकियां भी सीखी। अक्षय के पिता विनोद खन्ना और मां गीतांजलि की शादी साल 1971 में हुई थी, लेकिन यह शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी थी और साल 1985 में इनका तलाक हो गया था। बाद में विनोद खन्ना ने कविता खन्ना से शादी कर ली थी। हालांकि अक्षय खन्ना और विनोद खन्ना के बीच मनमुटाव की खबरें मीडिया में आ ही जाया करती थी। बावजूद इसके इनके रिश्ते में कोई दूरी नहीं आई और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अक्षय की पहली फिल्म जिसे विनोद खन्ना ने ही प्रोड्यूस किया था और अक्षय को लॉन्च करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक इंटरव्यू में विनोद खन्ना के बारे में बात करते हुए अक्षय ने कहा था कि मेरी जिंदगी में पापा का दर्जा एक टीचर का भी रहा है। उनके सलाह का सम्मान करते हुए, उनको मानते हुए ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ओशो के विचारों पर जैसा पापा का असर था, वैसा ही गहरा असर मुझ पर भी है। जब भी मौका मिलता है मैं उनको सुनता हूँ। उनके कुछ बातों से सहमत हूँ और कईयों से असहमत हूँ। हम आपको बता दें कि जब विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे, तब सत्य की खोज में इन्होंने इंडस्ट्री को छोड़कर ओशो के आश्रम में चले गए थे। फिर 5 साल के बाद फिल्म इंसाफ से इन्होंने कमबैक किया था। अक्षय खन्ना ने एक बार अपने पिता के बारे में मीडिया से बात करते हुए बताया था कि उन्होंने परिवार को नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दिया था। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। मैं उस वक्त मात्र 5 साल का था और ये सब मेरे लिए सब कुछ समझ पाना काफी मुश्किल था। आज मैं उनको सबसे बेहतर समझता हूँ। उस समय यह निर्णय ठीक लगा होगा। अक्षय ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता साल 1997 में आई फिल्म हिमालय पुत्र से की। इस फिल्म के प्रोड्यूसर उनके पिता विनोद खन्ना थे। हालांकि ये मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाली ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी और फ्लॉप साबित हुई। अक्षय खन्ना की दूसरी फिल्म बॉर्डर थी, जो कि ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सनी देओल, जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज एक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद भी अक्षय अपनी पहचान बनाने में कामयाब साबित हुए थे। इस फिल्म के बाद अक्षय की एक के बाद एक कई फिल्में आई, जिनमें कुदरत, मोहब्बत, लवारिस, भाई भाई, दहक और डोली सजा के रखना जैसी बड़ी फिल्मों के नाम शामिल हैं। हालांकि बड़ी होने के बावजूद ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रही। जो चली भी थी वो औसत ही रही। अक्षय की फिल्में भले ही नहीं चल रही थी, लेकिन अपने काम को बखूबी अंजाम देने वाले अक्षय की एक्टिंग दर्शकों के साथ फिल्म मेकर्स को भी पसंद आया करती थी, इसलिए अक्षय फिल्म इंडस्ट्री से कभी आउट नहीं हुए। इसी दौरान साल 1999 में एवरग्रीन एक्टर ऋषि कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म आ अब लौट चले रिलीज हुई। इस फिल्म से कह सकते हैं करियर को काफी सपोर्ट मिला और इस फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ केमिस्ट्री भी काफी पसंद की गई थी, जो सुभाष घई की फिल्म ताल में एक बार फिर नजर आई थी। इसके बाद अक्षय साल 2001 में आई फिल्म दिल चाहता है में आमिर खान और सैफ अली खान के साथ नजर आए। उस दौरान अक्षय के बाल कम होने शुरू हो गए थे और इस फिल्म में अक्षय का लुक काफी बदल गया था। फिल्म में अक्षय का किरदार अपने ज्यादा एज की औरत को पसंद करता था और उसके खिलाफ बोलने वाले जिगरी दोस्त बने आमिर खान को थप्पड़ तक लगा देता है। अपनी दमदार एक्टिंग से अक्षय ने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया था कि फिल्म का यह किरदार उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया था। फिल्म दिल चाहता है के लिए अक्षय खन्ना को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। हालांकि ढेरों सुपरहिट फिल्मों में हिस्सा होने के बावजूद अक्षय का करियर ग्राफ साल 2000 के दशक में गिरता दिखा और उनकी फिल्में आना लगभग बंद हो गई थी। बाद में साल 2016 में आई फिल्म ढिसुम से उन्होंने एक बार फिर से वापसी की, जो अभी तक जारी है। अक्षय की फिल्मों की बात करें तो हमराज, रेस, LOC कारगिल, 30 मार खान, सलाम इश्क, गांधी माई फादर, 36 चाइना टाउन, मॉम, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इत्तफाक, आ नचले और सेक्शन 35 जैसी ढेरों फिल्मों के नाम शामिल हैं। बॉलीवुड फिल्मों के अलावा अक्षय खन्ना ने OTT पर भी दस्तक दी है। साल 2021 में वह G5 पर स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक में वो नजर आए थे। दोस्तों, अक्षय खन्ना ने हर तरह के किरदारों में अपनी छाप छोड़ी है।
चाहे वो कैरेक्टर रोल हो या फिर विलेन हो। यहाँ तक कि जब वो कॉमिक रोल किए हैं तो दर्शक सरप्राइज हो गए। हंगामा, हलचल, नो प्रॉब्लम, शादी से पहले, मेरे बाप पहले आप और सब कुशल मंगल जैसे ढेरों फिल्मों में उनका कॉमिक अंदाज देखने को मिला जो हर किसी को पसंद आया। फिल्म हमराज में जब उन्होंने नेगेटिव रोल निभाया तो हर कोई उनके अंदाज से शॉक्ड रह गया था। साल 2002 में आई इस फिल्म में करण मल्होत्रा का किरदार निभाकर अक्षय ने अपने फैंस का दिल जीत लिया था। इससे कुछ सालों के बाद आई नकाब में विक्की मल्होत्रा के किरदार में अक्षय ने एक बार फिर से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। भला कौन भुला सकता है फिल्म रेस में राजू सिंह के किरदार को। इस फिल्म में उन्होंने सैफ अली खान के सौतेले भाई का किरदार निभाया था। इसके अलावा अक्षय ने फिल्म ढिसुम से अपनी जब वापसी की थी तो एक बार फिर नेगेटिव रोल में नजर आए और हर किरदार पर भारी पड़ गए। अक्षय ने सपोर्टिव किरदार को भी बखूबी निभाया और अपने बाल्ड लुक को एक्सेप्ट कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चाहे इत्तेफाक हो, मॉम हो या फिर स्टेट ऑफ सीज टेम्पल जैसी या फिर दृश्यम 2 हो, उनकी एक्टिंग हर बार आपको सरप्राइज ही करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनको उतनी प्रसिद्धि कभी नहीं मिली जितने डिजर्व करते हैं। हालिया रिलीज हुई दृश्यम 2 की बात करें तो फिल्म में अजय देवगन के साथ साथ अक्षय की भी जमकर तारीफ हुई है। फिल्म में एक्टिंग के अलावा उनके बाल लुक की भी खूब चर्चा हुई है। दरअसल अक्षय के बाल दृश्यम 2 तक आते आते काफी गायब हो चुके हैं। अक्षय चाहते तो विग लगा सकते थे लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग पर पूरा यकीन था। बिना बालों के पर्दे पर आना यकीनन मेकर्स और उनका डेयरिंग फैसला ही है। हालांकि इनमें कोई भी शक नहीं है कि उनके गंजे लुक की वजह से एक कड़क आईजी का किरदार और भी जीवंत बन गया है। हालांकि अक्षय से पहले भी इत्तेफाक, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में भी अपने बाल्ड लुक में नजर आए थे। ऐसा नहीं कि अक्षय की ये जिद है कि वो बार बार ऐसा ही दिखें, बल्कि किरदार की जरूरत हो तो विग भी पहन लेते हैं और लुक भी चेंज कर लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 375 में इन्होंने किया था। एक इंटरव्यू में अक्षय ने अपने झड़ते हुए बालों को लेकर कहा था कि बहुत ही कम उम्र से मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे। अक्षय ने फिल्म मेकर करण जौहर के शो काफी विद करण में भी अपने बाल्डनेस पर बात की थी। दरअसल शो में रैपिड फायर के दौरान अक्षय से पूछा गया था कि बॉलीवुड में सबसे खराब हेयर स्टाइल किसके पास है। इस पर अक्षय ने हंसते हुए कहा था कि कुछ लोगों को पीठ की समस्या होती है, कुछ लोगों की आंखों के लिए नंबर होते हैं, कुछ लोगों की सुनने की मशीन की आवश्यकता होती है। यह जीवन का एक हिस्सा है, मैं इसे इस तरह देखता हूँ। कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं बेवकूफ हूँ लेकिन यह छोटी सी बात है मेरे लिए। दोस्तों, इनमें कोई शक नहीं है कि सुपरहिट फिल्म दृश्यम 2 में अजय के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा तारीफें बटोरी हैं तो वो हैं अक्षय खन्ना। सोशल मीडिया हो या फिर क्रिटिक्स, हर किसी का मानना है कि अक्षय की फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनाना एक सही फैसला साबित हुआ। मेकर्स ने उनके कैरेक्टर को जिस तरह से बनाया और अक्षय ने जिस तरह से उसे निभाया वो काबिले तारीफ है। फिल्म डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने अक्षय खन्ना को उनके किरदार को लेकर बताया कि दृश्यम 2 के लिए अक्षय खन्ना उनकी पहली पसंद थे। उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत के दौरान बताया कि दृश्यम 2 में तब्बू और अजय देवगन एक दूसरे का सामना कर रहे हैं और मैं उस स्तर या फिर उससे भी आगे किसी व्यक्ति को चाहता था। पूरे कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इसे लिखेंगे और इसके बाद इसकी कास्टिंग के बारे में सोचेंगे। पहले दिन से जब एक कॉप का किरदार लिखना शुरू किया गया तो हमारे दिमाग में अक्षय की छवि और उनका व्यक्तित्व था। इससे हमारे लिए बहुत आसान काम हो गया क्योंकि हम जानते थे कि हम टेबल पर क्या लाएंगे। वे हमेशा से पहले विकल्प और इस किरदार के लिए मेरे पहले विचार थे और इससे हम बहुत खुश हैं। अक्षय खन्ना की निजी जिंदगी भी काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। अक्षय खन्ना ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा वो आज भी बैचलर एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। दरअसल अक्षय के पिता विनोद खन्ना जी का निधन साल 2017 में हो गया था, जिसके एक साल के बाद उनकी माँ का भी निधन हो गया। इसके बाद अक्षय अकेले पड़ गए। अक्षय की फैमिली की बात करें तो उनके भाई एक्टर राहुल खन्ना के अलावा उनके पिता की दूसरी पत्नी से हुई संतानें श्रद्धा खन्ना और साक्षी खन्ना के रूप में उनके दो भाई और बहन हैं। साक्षी संजय लीला भंसाली की असिस्टेंट रह चुकी हैं और एक एक्टर भी हैं। दोस्तों, अक्षय ने अभी तक शादी तो नहीं की है लेकिन उनका नाम कई एक्ट्रेस से जुड़ चुका है। हालांकि उनके वो रिश्ते कभी आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन एक खबर है जिसकी चर्चा भी होती है, वो है करिश्मा कपूर से उनकी शादी के बाद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय खन्ना की शादी के लिए करिश्मा कपूर का रिश्ता आया था लेकिन किसी वजह से बात नहीं बन पाई। दरअसल करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने खुद विनोद खन्ना के घर अपनी बेटी का रिश्ता भेजा था लेकिन तब करिश्मा की मां बबीता कपूर ने मना कर दिया था क्योंकि उस समय करिश्मा कपूर का करियर पीक पर था। बबीता नहीं चाहती थी कि करियर के इस मुकाम पर करिश्मा शादी करे। अक्षय खन्ना ने एक बार अपने शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं की।
अक्षय तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कुछ समय के लिए किसी रिश्ते में रह सकता हूँ लेकिन लंबे समय तक उस रिश्ते को नहीं चला सकता। तो दोस्तों, यह है अक्षय खन्ना की पूरी कहानी। आज इस वीडियो में बस इतना ही।